सलमान खान के घर पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। आए दिन सलमान खान को धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन आज हुए हादसे ने सभी को चौंका दिया। जी हाँ, रविवार सुबह 4:50 पर हुई फायरिंग से भले ही किसी को कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई के भाई की तरफ से एक आखिरी चेतावनी थी। जी हाँ, हाल ही में अनमोल बिश्नोई ने ये कबूल कर लिया है कि ये फायरिंग उसे करवाई गई थी। इसी के साथ ही उसने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक बड़ा धमकी भरा पोस्ट भी किया है। अनमोल बिश्नोई के धमकी और घर के नीचे हुई फायरिंग की खबर सुनते ही सलमान खान के दोनों भाई अरबाज खान और सोहेल खान उनके घर आ पहुंचे हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अरबाज खान वाइफ शूरा खान के साथ सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में आते हैं। वहीं उनसे पहले सोहेल भाई से मिलने के लिए घर पर गए थे। ऐसे में फैंस उम्मीद जता रहे हैं कि परिवार साथ होगा तो सलमान खान भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वहीं हाल ही में हुई मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमोल काले को भी सलमान खान के घर जाता देखा गया है। सलमान खान के घर के बाहर हुई गन शॉट की खबर सुनते ही वे सलमान खान से मिलने आ पहुंचे हैं। बता दें कि बाबा सिद्दीकी, राहुल कनाल समेत कई लोग भाईजान से मिलने आ पहुंचे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कॉल करके सलमान खान से बात की थी। ओम जय श्री राम, जय गुरु जी जम्बेश्वर, जय गुरु दयानंद सरस्वती, जय भारत, हम अमन चाहते हैं। जुल्म के खिलाफ अलग फैसला जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान, हमने तुम्हें ये सब तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ, हमारी ताकत को मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, जिसके बाद गोली खाली घर पर नहीं चलेगी। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुमने भगवान मान रखा है, उनके नाम के हमने कुत्ते पाले हुए हैं। बाकी ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। जय श्री राम, भारत सलाम, शाहिदा। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, काला जेठेरी, इन लोगों ने इस टाइप का एक मेल धमकी भरा सलमान खान को भेजा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।